आदाब दोस्तों, मैं हूँ शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ। और तेजस्वी यादव से इसलिए जुड़ा हुआ क्योंकि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की कद लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे राजनीति में कद बढ़ता है, वैसे वैसे इंसान की शख्सियत से विवाद भी जुड़ने लगते हैं। अब सोशल मीडिया पर एक और नया विवाद देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव 2015 में मात्र 26 साल की उम्र में बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए थे। बाद में नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा, बीजेपी के साथ जाकर के सरकार बना ली और विपक्ष के बड़े नेता बन गए। सबसे बड़े नेता अगर विपक्ष के बिहार में किसी को कहा जाएगा तो वो इस समय तेजस्वी यादव ही हैं, जिनकी सरपरस्ती में इस बार महागठबंधन ने चुनाव लड़ा। आंकड़े कह रहे हैं कि वो जीत सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन सवाल उठने लगे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। आपको, हमें सभी को ये मालूम है कि आम तौर पर सब ये जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के दो बेटे जो राजनीति में हैं, जिनका नाम है तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। तेज प्रताप बड़े भाई हैं, तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं, तो लिहाजा बड़े की उम्र भी ज़्यादा होनी चाहिए, छोटे की उम्र कम होनी चाहिए। लेकिन नामांकन का जो पत्र भरा गया, उसमें जो एफिडेविट लगाया गया, उसमें बड़े भाई की उम्र कम है, छोटे भाई की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है। आपको ये दोनों एफिडेविट दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। पहला एफिडेविट देखिए आप, तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव की उम्र इस एफिडेविट में मात्र 30 साल दिखाई गई है, जो कि बड़े भाई हैं। लेकिन जब आप तेजस्वी यादव का एफिडेविट देखेंगे तो उसमें तेजस्वी यादव की उम्र 31 साल है। यानी कि जो छोटा है उसकी 31 साल है, जो बड़ा है उसकी 30 साल है। अब सवाल ये उठता है कि फर्जी किसकी है। तेजस्वी यादव की अगर वाकई में 31 साल है तो फिर तेज प्रताप की थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 32 तो होनी चाहिए। और अगर तेज प्रताप की 31 साल है तो फिर तेजस्वी की उनसे कम होनी चाहिए, 29 होनी चाहिए, 28 होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। छोटे की उम्र बड़ी है, बड़े की उम्र छोटी है। लिहाजा ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ तो कहाँ हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या इस पर जांच बैठेगी, क्योंकि जांच तो बैठ सकती है, कोई भी शिकायत इसकी कर सकता है। फिलहाल अभी सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अभी इनकी 100% ऑथेंटिसिटी नहीं बता सकते हैं, लेकिन तस्वीरें ये वायरल हो रही हैं जो कि स्क्रीनशॉट हैं उनके एफिडेविट के। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय में जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर, यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।